खाद को लेकर किसानों और पुलिस के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यह घटना खाद सहकारी समिति में हुई है, जहां पर सैकड़ों किसान खाद लेने को लेकर हंगामा कर रहे थे। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ किसानों ने मारपीट की। इस घटना में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही SDM CO भी मौके पर मौजूद हैं और यह मामला हमीरपुर जिले के खाद्य सहकारी समिति सरीला का है। खाद का वितरण हो रहा है और ADCO और सचिव ये खाद का वितरण कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जो दबंग प्रवृत्ति का है और आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध पूर्व से ही गैंगस्टर के मुकदमे हैं और वो आकर के और उसने उपद्रव किया और चौकी इंचार्ज ने रोका तो उसमें उनको चोट लग गई। जब सब कोई हमारा वितरण सुचारू रूप से चल रहा है, सीओ साहब और हम दोनों मौके प्रभारी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो अखिलेश राजपूत नाम का एक पहले से उस पर कई मुकदमे हैं। तो यहाँ पे उपद्रव टाइप का लोगों को भड़का रहा था, ऐसा उपद्रव चल रहा था। तो इन्होंने उसको किनारे करना चाहा। जैसे इन्होंने किनारे करना चाहा तो उसके पिताजी जो हैं रामस्वरूप, उन्होंने लाठी से इनके सिर पर एक वार कर दिया, जिससे इनके सिर पर चोट आ गई है। कटीली लाठी थी तो चोट आ गई है। फिलहाल हमने रामस्वरूप को पकड़ लिया है। खाद वितरण सुचारू रूप से चल रहा है और उसकी तलाश की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो हम करेंगे।